फाइट लवली के लिए एक गाना कंपोज किया है, आई एम म्यूजिक कंपोजर, उसका गाना लिखा भी है, इनफैक्ट आई डिड सम रैप पार्ट आल्सो इन द सॉन्ग। और आज हम इस गाने को लॉन्च करने वाले हैं। इस गाने को एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल लिरिक्स के साथ इस तरह से हमने पैकेजिंग किया है कि आई होप एवरीबडी हु इज इन स्पोर्ट्स इट दे विल फाइंड इट क्वाइट इंस्पायरिंग एंड दे विल डेफिनेटली लव टू हियर इट व्हेन दे आर प्रैक्टिसिंग। वैसे तो ये गाना हम लोग फाइट क्लब लीग के लिए स्पेशली बनाया है एंड एवरी फाइटर विल डेफिनेटली बिकॉज वो लोग बहुत वर्कआउट करते हैं डे नाइट बहुत ही ज़्यादा तरीके से, तो ये गाना वो बहुत रिलेट कर पाएंगे। एवरी वर्ड एवरी लाइन इज़ वेरी इंस्पायरिंग और बहुत ज़्यादा रिलेट करने लायक है। हमने इस गाने को लिखा बहुत अच्छे से इंग्लिश में, टी सीरीज स्टूडियो में यहाँ पर रिकॉर्ड किया। मैं आई एम बींग अ कंपोजर ऑफ द सॉन्ग एंड द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग, इन फैक्ट आई एम एज अ सिंगर ऑफ द सॉन्ग, आई लव इट एंड आई थिंक ये गाना बहुत सारे हमने सोचा है देशों में जिनका भेज कर उनसे डबिंग कराएंगे उनकी लैंग्वेज में, तो वर्ल्ड वाइड पीपल विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट, दे कनेक्ट विद इट मोर, और ये गाना मिलियंस तक पहुँचे, मिलियंस तक इंस्पायर करेगा मिलियंस लोगों को और साल दर साल आगे बढ़ता जाएगा। फाइट क्लब हम इंडिया में कर रहे हैं जिसमें कि इंटरनेशनल फाइटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर जो फरवरी मंथ में हम इसको इंडिया में कर रहे हैं। और फाइट क्लब लीग का आज हम ये एंथम लॉन्च कर रहे हैं जो कि लकी जी ने गाया, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन सॉन्ग स्पेशल डेलीगेट टू फाइटर्स। एक्चुअली वैसे तो हम लोग बहुत सालों से जुड़े हैं आपस में और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो इंडिया में होते हैं जो कि एंटरटेनमेंट लेट रहे हैं, मैंने बहुत सारे शोज़ किए अभी तक, जैसे अमेरिका में गोविंदा के साथ किए या बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है तुषार कपूर के साथ बहुत सारे शोज़ किए और नेहा धूपिया, ईशा देओल, अभी भी हम स्टीरियो नेशन जो सिंगर है उनके साथ एक नेक्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं अमेरिका में, तो इंटरनेशनल शोज़ बहुत करते रहे। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मनोज ने बहुत सारा किया है, थाईलैंड में, मुआ थाई में, मिक्स मार्शल आर्ट में और रशिया में, तो इसी तरह फिर हम लोग अपने अपने हम इनको सपोर्ट करते हैं या हमारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं, तो इसी तरह हम लोगों ने सोचा वाई डोंट वी इंट्रोड्यूस ए न्यू थिंग जो कि थोड़ा स्पोर्ट्स रिलेटेड है। अल्टीमेटली हैंड इन हैंड इट गोज, अगर आप देखें आजकल जैसे स्टार है तो हॉटस्टार पे बहुत सारे मिक्स मार्शल आर्ट के प्रोग्राम्स आते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स आते हैं, तो स्पोर्ट्स भी एक बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट है और हम लोग इसको दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलेंगे तो इसको रेगुलर ऑडियंस भी पसंद करेगा, खेलने वाले भी पसंद करेंगे, तो हमने इसको मिलके अच्छा तरीके से इसको प्रोसेस किया है और प्रेजेंट किया है। लेट्स होप कि हम लोग लाखों लोगों तक पहुँचे और इसको आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायर करें। और अपने बारे में तो मैं ये कहूँगा जैसे बॉलीवुड एक्टर जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जनरली मैंने देखा है पर्सनल लाइफ में वो लोग भी बहुत जिम करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग टिप्स देते हैं, उनको ही देखकर बाकी लोग फॉलो करते हैं, तो ये हेल्थ के लिए जैसे हम देख रहे हैं आजकल बॉटल चैलेंज चल रहा है, अभी बॉटल किकिंग जो बॉटल कैप किकिंग चैलेंज है उसको देखकर सलमान खान, अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा और अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने एक एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, तो ये सोशल मीडिया की हेल्प से हम लोग वैसे भी लाखों लोगों तक पहुँच रहे हैं, तो बॉलीवुड वाले लोग हमारे वेलविशर्स हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया है कि हमारे फाइट क्लब लीग को भी आप सपोर्ट कीजिए, बहुत सारे लोगों ने अपने बाइट्स देने का वादा किया है, हमारे इवेंट्स में आने के लिए वादा किया है, तो लेट्स होप हम इसको ग्रो करेंगे मैक्सिमम जितना ज़्यादा से जा सके। हाँ, जो ये चीज़ है कि मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, मैं 10 साल से ये मार्शल आर्ट से जुड़ा था, तो फिर इस बार मैंने डिफरेंट कुछ करना चाहा, मैं बैंकॉक, रशिया और ये US वगैरह गया, तो फिर मैं वहाँ पे MMA हुआ था, इसका स्कोप बहुत था पर इंडिया में नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे इंडिया पे इसको लॉन्च किया है जो कि MMA मिक्स मार्शल आर्ट है जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है पर इंडिया में अभी इसका स्कोप है नहीं, तो हम लोग इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, तो जिसमें इंटरनेशनल फाइटर्स आ रहे हैं इंडिया में और इंडिया के फाइटर्स के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि उनको इंटरनेशनल फाइटर के साथ में फ़ाइट करने का चांस मिलेगा, जो कि इसमें देखा जाता है कि इंडियन फाइटर्स को चांस नहीं मिल पाता है क्योंकि उनको प्रमोट नहीं कर पाती है एजेंसी, तो इस हम लोग इनको प्रमोट भी कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड उनको चांस भी दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो आई होप हम लोग अब फाइट्स के अलावा भी हम लोग, मैं अपकमिंग शो भी बता देता हूँ अपना, अपकमिंग शो हम लोग ये पावर लिफ्टिंग भी कर रहे हैं जो कि हम सितंबर में कर रहे हैं रशिया के साथ में, इंडिया रशिया पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे हमारा प्लान है उसको ग्रीस में लेके जाने का, उसको अमेरिका लेके जाने का, थाईलैंड में ऑलरेडी, अगर आप देखें तो एक्चुअली ये प्रोग्राम इट इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रमोटिंग स्पोर्ट्समैन इन इंडिया,
और इसमें एक और एक बहुत खास चीज़ है नोटिस करने वाली कि जितना ज़्यादा हम इस टैलेंट को बढ़ावा देंगे, अगर आप देखें तो बॉलीवुड फिल्म्स भी इस थीम के अराउंड काफ़ी बनाई जा चुकी हैं, काफ़ी सारी बॉलीवुड फिल्म्स, उसमें भी बहुत सारे लोग चाहिए जो टैलेंटेड होते हैं, बहुत आगे हैं, तो उनको सबको नोटिस कराने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, वो आते हैं अपने आप को अपने इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। हमने थोड़ा साल पहले इंडिया मार्शल आर्ट फेस्टिवल करवाया था लवासा में, तो अब हमारा ये प्लान है कि इस तरह के प्रोग्राम्स बार बार किए जाएँ, फिल्म्स में उस तरह के लोगों को पुश किया जाए। वी आर बेस्ड इन बॉम्बे, यहाँ पे हम लोग पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ पर हम किसी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड करते जाते हैं, तो ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि नॉट ओनली इंडियंस बट अदर कंट्री पीपल ऑल्सो कम एंड परफॉर्म, जहाँ से बॉलीवुड उनको पिक कर सकता है, उनको यूज़ कर सकता है उनके टैलेंट को। और अगर आपने देखा होगा जैसे अक्षय कुमार की एक फिल्म थी ब्रदर्स, वो मार्शल आर्ट के ऊपर ही थी, मार्शल आर्ट के बहुत सारे सीक्वेंसेज हैप्पी न्यू ईयर में हुए, और भी अलग अलग फिल्म्स में इस तरह के सीक्वेंसेज यूज़ हुए। तो जैसे अभी प्रियंका चोपड़ा ने भी एक सीक्वेंस किया था डॉन फिल्म में, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये वाला जो आर्ट है इसको जितना ज़्यादा हम लोग प्रमोट करेंगे, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा नया टैलेंट निकल के बाहर आएगा, तो उम्मीद है कि हम लोग अपनी लीग को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बना पाएंगे और बहुत दूर दूर तक ले जाएंगे, इंडिया भी पॉपुलर होता जाएगा इंडियन टैलेंट। जी, फाइट क्लब को इसलिए मैं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी जो इंडिया में फाइटर्स हैं उनको बड़े लेवल पे चांस नहीं मिल पाता। मैं खुद फाइटर हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डिफेंस से रहा हूँ, तो मेरे को पता कि इंडिया में चांस नहीं मिल पाता, इसीलिए मैं फ़ाइट करने का मेरा जो मेन मकसद है इंडिया के फाइटर्स को इंटरनेशनल लेवल पर चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जो अब ये फाइट क्लब के साथ में ही हो सकता है, तो इसलिए हम इसमें डिफरेंट जो चेंजेस कुछ चीज़ें हैं और इसमें वो कर रहे हैं। और सबसे अच्छा जो हमने सॉन्ग किया, जो लकी जी ने बहुत अच्छा सॉन्ग है, जो फाइटर मोटिवेशन सॉन्ग है, तो फाइट क्लब भी let this world cheering high loud and louder, so I fight day and night, oh I fight with all my might. Life is all about a hope, life is all about a pride, I would try till I die ever harder, let this world cheering high loud and louder, so I try day and night, I fight with all my might. Thank you.